प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय स्किल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया और कार्यक्रम की शुरुआत रानी दुर्गावती की प्रतिमा को माल्यार्पण करके की। इस दौरान पीएम ने जनसभा कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना है। झूठी गारंटी मतलब नियत में खोट। आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के बहाने भी विपक्षी नेताओं को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग देश से बाहर देश विरोधी लोगों से मिलते हैं। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यहाँ पीएम ने एसएमएस के जरिए 3.5 करोड़ डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए। मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई। सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। 3 जुलाई को यूसीसी के मुद्दे पर विधि और कानून संबंधी संसदीय समिति की बैठक से पहले इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी की थी 14 जून को, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार इसी सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस बार मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इसी सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। मॉनसून सत्र में कई और बिल भी पारित होने की संभावना है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम धामी ने फिर कहा है कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलता है हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जहां आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने हर जगह भ्रष्टाचार का माहौल कर रखा है। 10 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। 10 सालों के अंदर नोटबंदी करी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका फायदा हुआ नोटबंदी से? कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर हुआ। केजरीवाल ने महंगाई के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी खजाने में लूट की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। गुजरात, बिहार, असम में तो स्थिति बेहद खराब है। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव है। जूनागढ़ में 4 फीट तक पानी भर गया है। कलवा और ओजल नदी उफान पर है। कई गाँवों का संपर्क टूट चुका है। कच्छ में भी बारिश से हालात खराब हो चले हैं। रेलवे स्टेशन भी पानी की चपेट में आ चुका है। सूरत में सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। नवसारी में भी कई इलाकों में जलजमाव है। लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। असम में 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बारपेटा में 43,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग सड़कों और राहत शिविरों में आश्रय लेने को मजबूर हैं। झमाझम बारिश से मुंबई भी पानी पानी है। जगह जगह जलभराव है। यातायात भी ठप पड़ चुका है। पुलिस की गोलीबारी में अल्जीरियाई मूल के 17 साल के नाहेल एम की हत्या के बाद से फ्रांस पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। देर रात भी फ्रांस के कई शहरों में दंगाइयों ने हंगामा किया। दंगाइयों ने फ्रांस के मार्सिले शहर की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को आग लगा दी। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद पूरा शहर धुएं की चपेट में आ गया। वहीं दूसरी ओर दंगाइयों ने बसों, पुलिस की गाड़ियों समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही सरकारी इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी लपटों में घिरी दिखी। हिंसा की आग फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित
कई शहरों में फैली हुई है। हिंसा में 79 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, तो वहीं अब तक 1300 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। वनडे विश्व कप की दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। क्रिकेट इतिहास का पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज पहली बार वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड से 7 विकेट से करारी हार के बाद वेस्टइंडीज विश्व कप में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गई है। विश्व कप में जगह बनाने के लिए वेस्टइंडीज को टॉप 2 में रहने की जरूरत थी, लेकिन टीम इस टूर्नामेंट में 3 छोटी टीमों के खिलाफ उलटफेर का शिकार हो गई। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे क्वालिफायर टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के रूप में 2 पूर्व चैंपियन और मजबूत टीमों को कई छोटी टीमों का सामना करना था। श्रीलंका तो वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने की कगार पर है, लेकिन विंडीज विश्व कप से बाहर हो गई।